आखिर किस वजह से सुसाइड किया है आपके पिताजी? जमीन की वजह से हमारे को बहुत परेशान करते थे, जबकि हमारे पास तो जमीन का पट्टा है। इनको तो पूरी अपन ने तो फाइलें भी तक पेश करी थी, पर फाइलें कभी खुलती नहीं थी हमारी। और जबकि पड़ोस में उनके पास कुछ कागज नहीं, फिर भी देखो 5 मंजिल खड़ी और बाहर है वो मंदिर के पास में, दीवार तोड़ के मंदिर का बाहर बनाया गया है। इतना टॉर्चर करा जाता था मेरे पापा को भाई जोशीरो के द्वारा, और ये तक कहा गया था कि बोला अगर तुम जमीन खाली नहीं करना तुम में से एक जना मरेगा। वही हुआ है। और मेरी दादी अभी 2-3 दिन पहले माई जोशीरो पूरी फैमिली गई थी, मेरी दादी ने जो पाँव में पड़ गई उनको लात दे के यूँ कहा गया कि दूर आकर मेरे से नीचे जा दो। बोले तुम लिख के चल जाओ, मैं पढ़ लूँगा, इतनी औकात है तुम्हारी। नहीं कर रहा था, हमारे मकान का काम रुकवा दिया गया था, गार्ड लगवा दिए गए थे, हमारे को निकलने भी नहीं दे रहे थे, इनको पता है। ये तो साहब ये इनका ये जायज जमीन थी, इनके पास नगर निगम का पट्टा था इसका, इन्होंने अपने प्लाट का काम चालू करा। मेरे अच्छे खासे परिचित है दद्दा, मुझे दाऊ का बेटा बना रखा था। मैं इनके पास आया क्या ये अपना काम चालू किया और ये नगर निगम वाले परेशान कर रहे हैं। जब मैं मौके पर आया तो नगर निगम से सोनिया बैठा होता, वो लेकर आया था नोटिस कि साहब ये शिकायत है बिना परमिशन के आप काम चला रहे हो सरकारी जमीन में। हम जो उस नोटिस का जवाब दे, जवाब के अंदर हमने नगर निगम पट्टा साइट प्लान नक्शा जितने भी डॉक्यूमेंट सारे पेश कर दिए। उसके बाद सोन ने बोला कि ठीक है भाई सोमवार तक आप इसको काम करा के रुके, कम्प्लीट कर लो छत भाई, छत डाल लो। फिर हमने काम चालू कर दिया शुक्रवार को रात तक काम चलता रहा। फिर रात को शुक्रवार की रात को इन्होंने गाड़ भी दी 10 बजे। मैंने गाड़ से पूछा भाई तेरी ड्यूटी का टाइम बता, तेरा पार बताओ पार ना। तो फिर शनिवार के दिन की रात बदतमीजी करी, मैं जो ने कोई सुनवाई नहीं करी, इस तरह की गाली गलौज करके इन्हें वो करके जली करके वहाँ से भेज दिया। तो वो परिजनों की मांग ऐसी कोई पॉइंट नहीं है, परिजनों की मांग का मतलब कोई विशेष ही कोई पॉइंट, और ये एक भी इनके छोटे बच्चे हैं तो कुछ मिल जाए हेल्प हो जाए सरकार द्वारा, बाकी ऐसा कोई मांग तो है नहीं इनकी, क्योंकि उन्होंने फांसी खाई है। फांसी का अभी जांच में पता लगेगा कि उसका कारण क्या रहा है, किसने उसको उकसाया है, किसने उनको परेशान किया है, वो जांच का विषय है, वो अभी उसके बारे में नहीं कह सकते। बाकी यहाँ जहाँ फांसी गई है, ये सुबह का मकान बन रहा है, तो मकान में लेटरिन बाथरूम शौक होने की वजह से यहाँ सुबह फ्रेश होने के लिए आ रही है, और आने के बाद यहीं इनके सामने ये चाय की खड़ी है, यहीं दुकान वकान खोल रहे हैं, तो सुबह फ्रेश होकर चले गए। फिर इनके फादर साहब आ गए, वो फ्रेश होकर चले गए, फिर वापस आए मूड बना के। अब ये परेशानी का विषय का बाद में पता लगेगा ओरिजिनलिटी में क्या था, एक जांच का विषय है, उसमें अपन उससे पहले नहीं कहते थे। वीडियो एक जांच कर रिपोर्ट दी गई हिसाब बिल्कुल रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, कानूनी कार्रवाई की। मेरा नाम राम प्रसाद मीणा है। मेरे परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है, हमारे घर के पूरे डॉक्यूमेंट्स कागज़ होते हुए हमारे घर को नहीं बनाने दिया जा रहा है। गिरधारी जी का मंदिर निवासी देवेंद्र शर्मा, उनके भतीजे का नाम ललित शर्मा, रॉयल शेरेटन मालिक मुंजी टांक, उनके साथ में कोई देव अवस्थी है, लालचंद देवनानी, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी, इन सब लोगों ने हमारे को इतना परेशान कर रखा है कि मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरे परिवार की बहुत बुरी हालत है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, हम सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ।